हेलो फ्रेंड्स, मेरे सामने मानसी अग्रवाल जी बैठी हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरुआत करूं। सबसे पहले तो सीए मानसी अग्रवाल मुझे कहना चाहिए। और नवंबर 2022 में इन्होंने अपना फाइनल का एग्जाम दिया और ये ऑल इंडिया रैंक 3, यस फ्रेंड, 1 2 3 में पूरे इंडिया में तीसरे स्थान में पहुंची हैं ये, जो कि अपने आप में एक बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाएगा इनकी लाइफ का। हमारे एज ए स्टूडेंट हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 3 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जो कि हमेशा इनके साथ जिंदगी भर रहेगा। और हम भी हमेशा अपने आगे के जितने भी मेरे फ्यूचर स्टूडेंट्स रहेंगे, उनके आपके मानसी अग्रवाल के बारे में मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसी अचीवमेंट बार बार नहीं मिलती है, बार बार नहीं आती है। मानसी अग्रवाल जी ने SFM की क्लास मेरे से ली, इन्होंने मेरी रिविजनरी क्लासेस भी करे, इन्होंने मेरे सारे क्लास नोट्स पढ़े, इन्होंने 84% मार्क्स सिक्योर किया है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। तो सबसे पहले तो मानसी जी से मैं SFM के बारे में पूछूंगा कि SFM में स्टूडेंट्स ऐसी क्या तैयारी करे, स्टूडेंट्स को ऐसा क्या फॉलो करना चाहिए ताकि उनको भी इतने अच्छे मार्क्स मिल सके। आपने इतने अच्छे मार्क्स किस तरह से आपने सिक्योर किया, क्या क्या आपने किया, आपको मेरी क्लास कैसी लगी, आपको सारी स्टॉक मार्केट और प्रैक्टिकल नॉलेज और मोटिवेशन और सारी रिविजनरी क्लासेस, एक कंप्लीट पैकेज जो हम आप लोगों को देते हैं, वो आपने कैसे उसको पूरा किया और किस तरह से आपने सफलता पूर्वक इतने अच्छे मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया। मानसी जी, अब पूरी दुनिया आपको सुनना चाहती है। नाउ स्टेज इज विथ यू, प्लीज एड्रेस कीजिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि वो भी इतना अच्छा कैसे कर पाए। थैंक यू सो मच सर। सर, मैंने आपका रेगुलर बैच लिया था, लर्न टू अर्न मोर वाला। तो उसमें पहले ऑनलाइन क्लासेस थी मेरी। फर्स्ट आई हैड कंप्लीटेड योर ऑल द लेक्चर्स। लेक्चर्स के साथ साथ ही मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं अपना होमवर्क कर लेती थी कि जो भी क्वेश्चन हमें पूछते हैं अपने होमवर्क में दें। तो फर्स्ट आई कंप्लीट दैट, एंड उसके बाद जब मेरे को फर्स्ट रिविजन, सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, तो फर्स्ट रिविजन में मैंने यही किया था, कॉन्सेप्ट नोट पढ़ लिया एक बारी, जो भी चैप्टर स्टार्ट किया है, एंड देन मैं सारे क्वेश्चंस फिर से मैंने मैनुअली करे। ऐसे मैंने थर्ड रिवीजन तक मैंने मैनुअली क्वेश्चंस किए हैं। देन मैंने उसमें से सेलेक्ट कर लिए थे क्वेश्चंस कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से। आपने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हमें दी है, वो तो लास्ट में 5 क्वेश्चंस की दी थी, बट मेरे अटेम्प्ट आने से पहले आपने एक और दी थी क्वेश्चंस लिस्ट। तो मैंने फर्स्ट थर्ड रिवीजन जो किया ना, उसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कर लिया था। एग्जाम से पहले वो 5 वाली देखी थी और अपने खुद के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाले थे, जिसकी मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर कर। तो ये तो है कि फर्स्ट टाइम कैसे करना है एंड फर्दर रिविजन कैसे करना है। देन फर्दर रिविजन में एक और चीज एडअप करी, आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स खुद से रीड करते हैं ना, तो हम कहीं कहीं पे लैक कर जाते हैं वो कनेक्टिविटी विद द टीचर और जो कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें मैंने रिविजनरी वीडियोज को बहुत ज्यादा प्रेफर किया, उससे आपका रिविजन बहुत ईजी हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो मैंने उसमें ऐसा नहीं है कि रिविजनरी वीडियोज को इग्नोर किया, अच्छे से रिविजनरी वीडियोज का यूज किया जो कि हमें यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। एंड देन मैंने हमेशा जो भी अमेंडमेंट्स आ रही है ना, तो आपका PDF अमेंडमेंट में जो भी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी फोटोज निकाल ली थी प्रिंट आउट कराने के बजाय, क्योंकि बहुत बल्की हो जाता है, ऑलरेडी बुक भी है। तो मैंने वो एडिशनल फोटोज का एक PDF बना लिया अपना, स्क्रीनशॉट्स निकाल निकाल के, ताकि लास्ट मोमेंट पे बस एक एक दो दो वो क्वेश्चन देखने पड़े। और MTP RTP जो पास वाले हैं वो तो बुक में ऑलरेडी कवर्ड है। उसके अलावा जो हमारे अटेम्प्ट के, वो मैंने खुद से सेल्फ प्रैक्टिस किए थे डाउनलोड करके एग्जाम से पहले, और एक टेस्ट सीरीज भी मैंने दी थी। उसके अलावा थियरी के लिए मैंने जो आपने 20 to 25 pages वाला हमें बुकलेट दिया है, मैंने बस उसी को 3 4 बारी रिवाइज किया था। एग्जाम वाले दिन भी मैंने केवल एग्जाम के मॉर्निंग आवर्स में 2 आवर्स थियोरी को दिए, क्योंकि वो एकदम हम उसी टाइम पढ़ के जाए ना तो हमें याद रहता है। तो ऐसे मैंने किया था SFM का। प्लस वो जो 40 बुक है वो मैंने अपने ऑन द वे, जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फॉर द पेपर, तो मैंने उस टाइम पे वो 40 बुक एक बार फिर से गो थ्रू कर ली थी, ताकि सारे के सारे जो फॉर्मूलेज है ना मेरे माइंड में रिकॉल हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब कंप्लीट जो मेरी जितनी भी आपकी मेरी मेटेरियल थी, मेरी ऐसा हाँ बुक थी, मेरी थ्योरी बुक थी, मेरी रिविजनरी क्लासेस थी, हाँ कुछ आपने बहुत अच्छे सब से मैंने यूज किया। किया है। तो मैं इन शॉर्ट ये कह या सकता हूँ कि अगर जो भी क्लासेस में कहा जाता है, जो भी मेटेरियल दिया जाता है, अगर उसको अच्छे से फॉलो किया जाए, एटलीस्ट 4 से 5 बार उसको किया जाए, या तो स्टूडेंट्स को आराम से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और 80 और 90 मार्क्स इजिली वो गेन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। या
सर जैसे जैसे आपका मटेरियल है ना, तो पहले बुक फिर रिविजनरी लेक्चर शॉर्ट शॉर्ट करते जा रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से हमें भी अपने रिविजन प्लान करने हैं, तो डे भी कम होते जाएंगे, हमारे रिविजन भी स्ट्रांग होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा। तो मैंने 5 टाइम्स, आप हमेशा बोलते हैं, तो मैंने ये टारगेट हर सब्जेक्ट के लिए रखा था कि 5 टाइम्स करके ही जाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि नंबर काउंट, बट आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ रिविजन बढ़ाओगे। और स्टार्टिंग में हमें डीप एनालिसिस करके करना है फर्स्ट 2 रिविजन्स में बहुत ज्यादा, और ऑटोमेटिकली 3rd रिविजन से टाइम कम होता चले जाएगा। वेरी गुड। मतलब आपने जब एग्जाम दिया या आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने सोचा था कि मैं रैंक लेकर आऊंगी, मतलब इस तरह से भाव थे आपके मन में? सर बोर्ड ग्रुप के लिए प्रिपरेशन तो यही थी, इसीलिए कि इतना अपना बेस्ट देना है कि कुछ ना कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट तो आए, बाकी तो भगवान के ऊपर है। रैंक हम पहले से तो डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाँ एम के लिए, एम तो रहता ही है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हमें मिले साथ तो रिजल्ट के। जब चेक किया तो क्या उम्मीद था, या बस पास हो जाऊं ये उम्मीद था, या रैंक क्या आएगा ये उम्मीद था? मैं बोलता तो सबसे यही था कि जस्ट पास हो जाऊं आई विल बी हैप्पी, बट एक गिल्ट रह जाता मन में कि इतना डाला है बट रैंक नहीं आई। तो एक साइड में था मेरे कि आएगा रैंक, कोई ना कोई तो आएगा, बट इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत अच्छा मानसी जी, बहुत अच्छा। तो मैं मतलब यही कहना चाहूंगा कि आगे अब और आप अच्छे अच्छे कंपनीज में ज्वाइन करेंगे, आगे बहुत और ऊंचाइयों को आप छुएंगे, और हमें जरूर अवगत कराइएगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग जैसे स्टूडेंट्स ही काम आते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि SFM आप आराम से हो जाएगा, मेरे स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स भी आए SFM में, तो जब वो एक सुनने में आता है ना कि भाई अगर सर के स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए तो मेरे क्यों नहीं आ सकते, तो वो एक, हाँ अब जैसे मानसी अगर सर, ऑल यही इंडिया रैंक मैं आपकी सकती है, वीडियोस मानसी सुनता जब ऑल इंडिया रैंक 3 ला सकते तो मैं क्यों नहीं ला सकता, या 84% से भी ज्यादा मैं क्यों नहीं गेन कर सकता। तो आप लोग एक तरह के रो एक मॉडल हो गए उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं यार मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, पास होंगे फेल होंगे। तो मानसी जी को फॉलो करें, और डेफिनेटली हम लोग जो कहते हैं, हम लोग कभी कभी हम लोगों के पास रिजल्ट्स बहुत बार नहीं होने के बावजूद हम लोग बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन हमारे पास जब रिजल्ट्स हैं 100 out of 100 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स अमेरिका और हांगकॉन्ग में जॉब कर रहे हैं विद करोड़ों करोड़ों का पैकेज लेकर, तो हमें पता है ना कि कितना पोटेंशियल है इस कोर्स में, कितना पोटेंशियल है आप में। अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। सर सेम यही ना, मैं हर वीडियो में आपकी सुनती थी, मुझे भी बहुत, मैं सबको यही बताना चाहूंगी, मुझे भी बहुत सेल्फ डाउट रहता था कि आई एम पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं, बट वो ट्रस्ट अपने ऊपर आपको मेंटेन करके चलना है। सीए में एक ये भी आपका बहुत टेस्ट होता है, आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट मेंटेन करना है कि हम लगा रहे हैं तो आएगा रिजल्ट, जरूर आएगा, बट पेशेंस चाहिए उसके लिए। और जब दूसरे स्टूडेंट्स का जब मार्क्स हम दिखाते हैं क्लास में या बुक्स में, तो वही हमें मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं। हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, वही तो हमें दिखाता है कि इन्होंने भी कभी हमारे जैसा फेस किया होगा, आज इनका आया है तो हमारा भी एक दिन आएगा। कितना अच्छा लाइन आपने बोला, आज इनका आया है तो हमारा भी एक दिन आएगा। तो जो भी जरूर स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं या जो भी अपने लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, वो ये लाइन को याद रखें, अगर इनका अच्छा आया तो मेरा भी अच्छा आएगा, बस मेहनत आपको करनी है। थैंक यस सर, यू मानसी, आप आए और इतना अच्छा आपने सबको मोटिवेट किया। कोई भी अगर क्वेरी होगा अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को, यस आप सर, जूनियर्स को? ठीक यस सर, है, श्योर सर, कोई भी आपको क्वेरी होगा, कोई भी आपको एकेडमिक क्वेरी है, तो आप मानसी जी से आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये यूट्यूब में हम लोड करेंगे इस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मानसी जी से क्वेरी रेज कर सकते हैं, ताकि मानसी जी भी आगे चलकर एक रोल मॉडल बन पाए और दूसरों को उतना ही अच्छा करने या इससे भी बेहतर करने का प्रेरणा दे सके। यस सर, थैंक थैंक यू मानसी। यू सर।